सो गाइज वेलकम टू प्ले कंसोल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूबीसॉफ्ट के होने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में, जिसमें फर्स्ट पार्टी गेम को दिखाया जाएगा और उनके गेम प्लेस को भी दिखाया जाएगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि हमें पता है, सब डिजिटल इवेंट अभी कर रहे हैं, चाहे गेम्स के मामले में हो या मूवीज के मामले में, अब सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है ड्यू टू COVID-19। तो यहाँ पे यूबीसॉफ्ट ने भी अपना डिजिटल इवेंट अनाउंस कर दिया है और ये डिजिटल इवेंट होने वाला है 12 जुलाई को, यानी कि 12 जुलाई को आपको ये इवेंट देखने को मिलेगा के YouTube चैनल पे। और इस इवेंट को आप देख सकते हैं 12:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, 12:30 बजे रात को आप ये इवेंट देख सकते हैं लाइव। और पैसिफिक डे टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये 12 बजे दिन में देने वाला है, यानी कि 12 PM में ये देने वाला है। तो डेफिनेटली इस इवेंट से लोगों को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यूबीसॉफ्ट ने अभी तक कुछ भी ट्रूली गेम प्ले रिवील नहीं किया है। यहाँ पे असेंस क्रीड वल्हाला का उन्होंने एक टीजर दिखाया था, जो कि कुछ सेकंड का टीजर था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहां पे गेम प्ले के बारे में बताया गया था, प्रॉमिस किया गया था वहां पे गेम प्ले दिखाने का, लेकिन वहां पे गेम प्ले नहीं बल्कि एक छोटा सा टीजर दिखाया गया था जो इन इंजिन था। तो डेफिनेटली अब जो यूबीसॉफ्ट का इवेंट होने वाला है, इस इवेंट का नाम यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड, तो इस यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड में आपको असैसिन्स क्रीड वल्हाला का गेमप्ले देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि असैसिन्स क्रीड वल्हाला के जो डायरेक्टर हैं अशरफ, उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि यूबीसॉफ्ट का जो इवेंट होगा उसमें आपको असैसिन्स क्रीड वल्हाला का गेमप्ले देखने को डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन उसके अलावा भी यहां पे बहुत सारे सरप्राइजेस ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इस इवेंट में। सबसे बड़ा जो मेजर सरप्राइज होने वाला है या हो सकता है वो है प्रिंस ऑफ पर्सिया को लेकर, क्योंकि प्रिंस ऑफ पर्सिया के काफ़ी सारे सीरीज PS2 में हमने खेले हैं और इवन PS3 पे भी आया था 2008 में प्रिंस ऑफ पर्सिया फॉरगॉटन सैंड। उसके बाद से प्रिंस ऑफ पर्सिया का कोई भी सीरीज हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था प्रिंस ऑफ पर्सिया रिडेम्पशन के ऊपर, जो कि एक आने वाला अपकमिंग गेम था PS3 का, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड में वो वीडियो फ्लैश होगा, आप उस वीडियो को जाकर देख रहे हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रिंस ऑफ पर्सिया रिडेम्पशन के बारे में। तो हो सकता है इस बार प्रिंस ऑफ पर्सिया रिडेम्पशन को ही वापस लाया जाए प्लेस्टेशन 5 पे, लेकिन पूरी तरीके से ग्राफिक्स और गेमप्ले मैकेनिक्स को चेंज करके। वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका था लेकिन अब शायद वापस आ सकता है, क्योंकि प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बहुत ज्यादा रूमर चल रहे हैं कि प्रिंस ऑफ पर्सिया का नेक्स्ट गेम आपको PS5 पे देखने को मिलेगा। प्लेस्टेशन 4 का एरा डेफिनेटली खत्म हो चुका है, तो डेफिनेटली अब जो भी गेम आएंगे वो प्लेस्टेशन 5 पे आएंगे। जितने भी AAA टाइटल्स हैं वो प्लेस्टेशन 5 पे आएंगे। तो हो सकता है यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड में प्रिंस ऑफ पर्सिया के बारे में कुछ अनाउंसमेंट या उनका ट्रेलर या गेम प्ले भी दिखाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे वॉच डॉग के बारे में, वॉच डॉग लीजन के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। फायर क्राई के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, क्योंकि फायर क्राई का नेक्स्ट गेम प्लेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पे आने वाला है, तो फायर क्राई भी एक नेक्स्ट जनरेशन गेम होने वाला है पूरी तरीके से। तो फायर क्राई के बारे में आपको इस इवेंट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यूबीसॉफ्ट की तरफ से कुछ न्यू आईपीज भी होने वाले हैं जो कि इस इवेंट में आपको दिखाए जाएंगे, जो फर्स्ट टाइम यूबीसॉफ्ट लॉन्च करने वाला है। कुछ नए आईपी यूबीसॉफ्ट आपको वहाँ पे दिखा सकता है और कुछ गेम प्ले भी दिखाया जा सकता है न्यू आईपीज के, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं। एक नया मेजर टाइटल मिलने वाला है यूबीसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पे हमको पता है यूबीसॉफ्ट के सारे गेम्स काफ़ी पॉपुलर है, चाहे फार क्राई हो या असैसिन्स क्रीड हो या प्रिंस ऑफ पर्सिया हो। इसके अलावा भी कुछ गेम्स और भी हो सकते हैं जो पॉपुलर हो यूबीसॉफ्ट की तरफ से, जो आने वाले फ्यूचर गेमिंग कंसोल्स पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये इवेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस इवेंट में आपको यूबीसॉफ्ट के जितने भी फर्स्ट पार्टी गेम हैं उनके गेम प्ले और ट्रेलर या अनाउंसमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगी। ये श्योर नहीं है कि आपको प्रिंस ऑफ पर्सिया का गेम प्ले देखने को मिले, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रिंस ऑफ पर्सिया के कुछ अनाउंसमेंट आपको देखने को मिले। प्रिंस ऑफ पर्सिया दोबारा से कमबैक कर सकता है इस इवेंट से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है इस इवेंट में कौन सा गेम रिवील हो सकता है, क्या प्रिंस ऑफ पर्सिया इस इवेंट में होगा, तो इसके बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।